साथियों, आप सभी को बता दूं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच 17 फरवरी से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम, यानी कि आपको पता है कि दिल्ली में इंडिया गेट के पीछे जो स्टेडियम है वहां खेला जाएगा। इस मैच से पहले टीम इंडिया के एक बड़े बहुत बड़ा बदलाव किया जा सकता है। टीम इंडिया के एक धाकर खिलाड़ी की हम कहें तो एंट्री हो गई है और एक खिलाड़ी चोट के चलते सीरीज से बाहर चल रहे थे, लेकिन अभी अभी जस्ट अपडेट आया है कि एक खिलाड़ी दूसरे टेस्ट से टीम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि क्या कुछ हमारे साथ में एक जो अहम भूमिका निभाएंगे ये प्लेयर, पूरी तरह से अपडेट आप सभी को देने जा रहा हूँ। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि छत्तीसवर पूजा अपना 7वां टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं और मे भी उन्हें आज लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द उस संन्यास का घोषणा भी करेंगे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा का जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा काबिले तारीफ। और वही मैं बात करूं कि सूर्य कुमार यादव बाहर हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, वो ऑस्ट्रेलियाई के विरुद्ध अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, लेकिन मैं साथ ही साथ आपको बता दूं कि सूर्य कुमार और केएस भरत जो हैं बाहर होंगे और साथ ही साथ ईशान किशन को भी मौका दिया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि सूर्य कुमार फिर से एक बार फेल हो चुके हैं, लेकिन कप्तान जिस तरह से आप सब पे भरोसा जता रहे हैं, क्या स्पिनर रविंद्र जडेजा और अश्विन किस तरह से कर रहे हैं, स्मिथ का चल नहीं रहा है, बल्ला फिंच भी हम काफ़ी, वार्नर भी काफ़ी हमें एक धरले स्तर पर दिखे, लेकिन जिस तरह से डंका बच चुका है श्रेयस कुमार का, वो आ गए हैं और केएल राहुल भी बाहर हो सकते हैं, उनके जगह पे शुभम गिल, जी हाँ दोस्तों शुभम गिल आ सकते हैं। और विराट कोहली का परफॉर्मेंस इसमें देखने के लिए होगा और कोच से क्या कुछ बात किए हैं हमारे कप्तान। आप सभी के बीच मैं बता दूं कि 17 फरवरी से दूसरा टेस्ट स्टार्ट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, उसमें प्लेइंग 11 की बात करें और साथ ही साथ मैं बात करूं कि कुछ अंदरूनी बात करूं तो सिराज इसमें बिल्कुल खेल रहे हैं और साथ ही साथ उमेश यादव को मौका फिर से एक बार नहीं दिया गया है, लेकिन कप्तान सबसे ज़्यादा किसी पे भरोसा कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी स्पिनर पे, जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा अपने स्पिनर रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा के ऊपर। तो आप अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें। और फिर मिलते हैं ऐसे ही नई नई अपडेट से, आप सभी से जुड़े रहिए और इसमें आप अपना कमेंट बॉक्स में राय दें कि क्या सूर्य कुमार यादव को मौका देना चाहिए या नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।